तो काकू, ये जो बगल में ये बांग्लादेश का बॉर्डर है ना उधर से, हाँ ये बॉर्डर है बांग्लादेश का। अभी हम इंडिया में हैं और उधर है बांग्लादेश। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर दिखाने वाला हूँ। मैं इस वक्त अभी बेताई नाम का एक गांव में आया हूँ और ये जगह कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर दिखाते हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ बॉर्डर के पास। आपको ऐसे जगह में तालाब बहुत सारे मिलेंगे। बंगाल में पॉन्ड बहुत सारे होते हैं तो ऐसे गांव में तालाब सबसे ज्यादा अधिक होते हैं। तो अभी हम तालाब के बगल में ही जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे खेत को ये लोग तालाब बना दिया है, बहुत सारे तालाब हैं। ये गांव लेकिन अभी बहुत ही सुनसान है और यहाँ पर बॉर्डर के बगल के ये जो गांव है इसका कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पर आपको हरा भरा बहुत मिलेगा देखने। अभी मैं एक गांव में इंटर कर रहा हूं और ये गांव जो है बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक है। तो हम अभी गांव के अंदर चलते हैं और ये गांव का ये रास्ता है कुछ ऐसा है, बहुत ही पतला गली है ये। अभी हम इस गांव में इंटर कर चुके हैं और ये गांव बिटाई नाम है इस जगह का। और यहाँ पर हम बॉर्डर के नज़दीक पहुँच गए हैं और यहाँ पर बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक यहाँ पर ये नया घर बन रहा है यहाँ पर। और ये सामने रहा बॉर्डर, आपको ये फेंसिंग नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास आया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये फेंसिंग किया हुआ है। तो वो साइड जो है वो बांग्लादेश है और अभी हम इंडिया में हैं और उधर है बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर करीब 4000 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और उनमें से ये एक गांव है बेटाई नाम का। तो इसी बेटाई गांव के बहुत ही नज़दीक में ये बॉर्डर पड़ता है और ये फेंसिंग किया हुआ है पूरा, ये देख सकते हो। ये फेंसिंग जो है कुछ ही सालों पहले किया है और ये अभी नया नया बनाया गया है। तो अभी बांग्लादेश में आप लोग ने न्यूज़ सुना है कि वहाँ पर हिंसा के कारण बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे लोग जो है वो भागकर इंडिया आ रहे हैं। तो इसके वजह से भी जो बॉर्डर है वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और ये फेंसिंग भी नया किया हुआ है। वो साइड में भी कुछ लोग हैं बांग्लादेश के तरफ, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वो साइड भी केला का बागान है लगा हुआ। और हमारे इंडिया के साइड में यहाँ बहुत सारे घर बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये नया घर बन रहा है। लेकिन ये बांग्लादेश के तरफ आप देख सकते हैं कि इधर अभी सिर्फ जंगल ही है और खेत है। भाई साहब, यहाँ पर BSF के आर्मी वाले थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, देख लिया वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर था और इस बॉर्डर के पास हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और फेंसिंग किया हुआ था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो वो मैं वीडियो करते हुए जा रहा था तो एक सर ने मुझे देख लिया, BSF के आर्मी वाले ने, और मुझे बोला कि जो भी रिकॉर्डिंग किया उसे डिलीट कर दो। लेकिन मैंने किसी तरह अपना रिकॉर्डिंग को बचा लिया है और मना कर दिया, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वक्त ये गांव के पास आ गया हूँ और इधर खेती आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर है जिनके यहाँ पर खेत है। तो यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, ये बॉर्डर के पास के ही है, ये बॉर्डर के नज़दीक ये गांव है, यहीं पर ये खेती होता है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। काकू, ये क्या चीज़ है? पाट? ये मतलब क्या चीज है पाट? থাল হবে এতে এই হবে আচ্ছা জলে দিতে হবে জলে দিয়ে পোতাইতে হবে পোতাইয়ে
अच्छा ये इसे खाता है क्या पाठ, ये जो है इसे खाता है ना बनक? तो अच्छा अच्छा बक्सा उक्सा बनता है इससे तो यहाँ पर। अच्छा तो ये जो है पाट है, इसे पाट बोलते हैं ना, पाट, तो ये पाट से लकड़ी बनता है और कपड़ा बनता है यहाँ पर। हाँ अच्छा, यहाँ पर हर जगह ये पाट का ही खेती किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। ये क्या चीज का धान यहाँ पर लगाए काकू? धान। अच्छा ना, ये बॉर्डर के पास के ये एरिया है और यहाँ पर खेती देख सकते हैं। यहाँ पर ये साइड में पाट का खेती किया हुआ है और इधर धान लगा हुआ है। तो अभी बरसात का मौसम है तो अभी पाट जो है वो हो चुका है, तो इसे ये पाट को काट रहे हैं और यहाँ पर धान लगा हुआ है। और जो बॉर्डर दिखाया था मैंने, फेंसिंग किया हुआ है, वो साइड में था। तो यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है ये बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर। हम लोग अभी इंडिया में हैं और बांग्लादेश हो गया वो साइड में। तो काकू ये जो बगल में ये बांग्लादेश का बॉर्डर है ना उधर से? हाँ ये बॉर्डर है बांग्लादेश का। अच्छा अच्छा ये दिखे भी अच्छे ना। अच्छा तो उधर से कोई आता है कि नहीं? नहीं पूरा सख्त है ना, इधर से भी कोई नहीं जा सकता? ओ हाँ 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 वही हिंसा हो गया, जो पूरा हो गया। अच्छा इससे पहले कोई आता था? इससे पहले आ जाता था ना। वो पार नहीं, ये पार। अच्छा ये पार, ये पार जाएगा तो लाल बाजार रहेगा, इधर से जाएगा भाटू बाजार रहेगा। अच्छा अच्छा इधर इधर आप भी जाएगा बड़ा रास्ता है इसलिए जाएगा। हाँ गांव है उधर। हाँ और एक तो वो पार से ही ये गांव का क्या नाम है? जताई। बेटाई। जताई। बेटाई नाम है इस गांव का। जताई दृष्टिकोण। अच्छा दृष्टिकोण। तो अभी हमने ये यहाँ पर ये काकू से बात किया और यहाँ पर यहाँ के लोग जो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी अभी हाल फिलहाल में ही टाइट हुआ है क्योंकि ये बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ है उसके वजह से, और इससे पहले जो इतना टाइट नहीं था, इससे पहले बांग्लादेश के भी कुछ लोग चुप चुप के इस साइड में आ जाते थे। तो अभी हम इसी गांव में हैं और इस गांव से अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो मैं अपने लाइफ में पहली बार आया था इंटरनेशनल बॉर्डर, ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर था। ये बॉर्डर के यहाँ पर ये गाँव जो है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर घर किस तरह का है। हेलो बच्चे, हाय बोलो हाय। देखो बॉर्डर के नज़दीक जितने भी गांव हैं आपको बांस के बनी हुई झोपड़ी के घर आपको मिलेंगे देखने, ईंट के और ब्रिक के घर बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे पीछे भी एक झोपड़ी का घर बना हुआ है। ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि ये एक सबसे ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर प्लेसे नाम का जगह है, वहाँ पर अंग्रेज सबसे पहले 1757 में मुगलों के साथ युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे और यहाँ के जो नवाब थे उसे हरा दिया था।